बॉलिवूडचे आघाडीचे दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळींचा आगामी मलाल चित्रपट प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाच्या निमित्तानं जावेद जाफरीचा मुलगा मिजान जाफरी आणि संजय लीला भन्साळी यांच्या बहिणीची मुलगी शर्मिन सहगल हे दोघं देखील बॉलिवूड मध्ये पदार्पण करत आहेत. जाणून घेऊयात या चित्रपटाविषयी त्यांना काय वाटतं. आइडिया है तो नर्वसनेस अभी तक चल रही, मंडे तक चलती रहेगी. बट आज सुबह में जब उठी, सुबह से रोना अभी आ रहा था. मैंने बोला नहीं, जाना है, लोगों से मिलना है. बट आप सब लोग को यहाँ देखते हुए जो फीलिंग आ रही है अंदर से, क्योंकि आज फ्राइडे है, वो अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. सब कुछ नर्वसनेस, आई थिंक एक्साइटमेंट में लाइक और आंसुओं में लाइक जस्ट कन्वर्ट होके बस निकल रही है दिस पॉइंट. जस्ट आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी हैप्पी कि हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एज एक्टर्स आई थिंक अप्रिसिएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी देन बॉक्स ऑफिस नंबर्स ऑफ कोर्स. पर एट द एंड ऑफ द डे अगर पिक्चर लोगों तक पहुँचे, लोगों पिक्चर से कुछ लेके जाए, आई थिंक दैट्स व्हाट्स इम्पॉर्टेंट. मोस्ट सॉरी गाइज. ऑब्वियसली यू नो खुशी की बात है, बहुत एक प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए. बट एट द सेम टाइम हमने बहुत मेहनत और बहुत प्यार से फिल्म बनाई है, बहुत वक्त बिताया है इस फिल्म पे, एंड फाइनली यू नो एक वो दिन आ गया व्हेन यू नो सब देखने वाले हैं फिल्म. तो बहुत 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 खुशी का दिन है. एंड यू नो कई सारे लोग देख रहे हैं, सबको पसंद आ रही है. एंड यू नो जैसा कि शर्मिन ने कहा कि ऐसी फिल्म है जो आप थिएटर के बाहर निकल के भी आप उसके बारे में सोचते रहते हैं और आप घर लेके जाते हैं उन किरदारों को, उस दुनिया को. सो आई थिंक दैट यू नो फॉर फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. एंड यू नो थैंक यू गाइज सो मच फॉर कमिंग. और आप लोगों ने भी आज पिक्चर देखी और सबको पसंद आई, सो थैंक यू सो मच.